ואני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים. जैसे आईएसआईएस का हुआ खात्मा, वैसे ही हमास भी होगा दफन। इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे तक हम रुकेंगे नहीं, और दुनिया के 86 मुल्क इजराइल के इस काम में उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या होगा हमास का अंजाम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कैसे करेगा रिएक्ट ईरान, ये भी हम करेंगे जानने की कोशिश। हमास के अंतकाल से जुड़ी एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच 19 दिन से भीषण जंग जारी है। इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर रही है, तो गाजा से भी बारूदी पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच तेल अवीव पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हमास के खात्मे के लिए 86 का फॉर्मूला दिया है, और साथ ही हमास को सुरंग से बाहर निकालने के लिए नेतन्याहू ने फ्यूल बम तैयार किया। उधर इसराइल पर हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। सारी खबरें, सारा विश्लेषण आपके सामने होगा, आपको बताएंगे, साथ ही रणभूमि से आ रही तस्वीरों को भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जांबाज रिपोर्टर इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, उनकी रिपोर्ट भी आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है उसका करते हैं रुख। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का प्रस्ताव सामने आया है, हमास को खत्म करने के लिए मैक्रों का प्रस्ताव। जैसे आईएसआईएस को खत्म किया, वैसे ही खत्म होगा हमास। आईएसआईएस को खत्म करने वाले गठबंधन देश साथ आए, ये कहना है मैक्रों का। ईरान, इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने वाले साथ आए हमास के खिलाफ। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ये जो प्रपोजल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और देखना होगा कि इस प्रपोजल के साथ कितने मुल्क आते हैं। मैक्रों का प्रस्ताव, खत्म होगा हमास, जैसे हुआ आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का खात्मा। इमैनुअल मैक्रों का 86 देशों के गठबंधन का प्रस्ताव, 86 देश हमास के खात्मे के लिए साथ आ जाएं, ये उन्होंने कहा है। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने वाले देश हमास के खिलाफ भी लड़ाई लड़े। तो अब कहीं ना कहीं सभी सीधे आईएसआईएस से तुलना चल रही है हमास की। हमास के खात्मे के लिए गाजा में घुसे गठबंधन सेना, ये उनका कहना है। तेल अवीव में नेतन्याहू से चर्चा के दौरान इस पर रणनीति बनी, और इस तरीके से ये प्रपोजल आया है मैक्रों की तरफ। बिल्कुल, और प्रपोजल में 86 का फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला जरा समझिए, 2014 में आईएसआईएस के खात्मे के लिए 86 देश साथ आए थे। आईएसआईएस जैसे क्रूर बर्बर आतंकी संगठन का किया गया था खात्मा। यूरोप और अरब लीग जैसे देशों ने ये गठबंधन बनाया था, और अब एक बार फिर उस गठबंधन की याद दिलाई है मैक्रों ने। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन ने आईएसआईएस का खात्मा किया था, यानी इसको भी लीड करने वाला कौन था, अमेरिका। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ा था ये गठबंधन, ये जंग लड़ी गई थी, और उस समय भी अमेरिका की तरफ नजरें थी। इस बार भी अमेरिका की तरफ नजरें हैं कि आखिर इस युद्ध का खात्मा होगा तो इसमें अमेरिका की भूमिका क्या रहने वाली। बिल्कुल, और वो अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है, और इसराइल ये कह रहा है कि जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं कर लेते तब तक रुकेंगे नहीं। इस बीच तेल अवीव में मैक्रों का बहुत बड़ा बयान, ये जंग यूरोप की जंग है, इसराइल पर 21वीं सदी का सबसे क्रूरतम हमला किया गया है, हमास को खत्म करना अब हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, हिजबुल्ला आग से खेल रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए, ये भी कहा मैक्रों ने। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू फॉर योर वर्ड। Let me tell you that if I'm here with my delegation, it's indeed first to express our support and solidarity and share your pain. What happened 7th of October is an awful terrorist attack against your people, your nation,
it's right. And it was an immense shock for the whole planet, especially in France. I'm here to express our solidarity today and tomorrow.